आज आम आदमी पार्टी का एक कार्यक्रम जो पूर्व निर्धारित था, सदस्यता अभियान का कार्यक्रम, उसका शुभारंभ है। और उसी क्रम में आज जनपद आजमगढ़ में हमारे साथी यहाँ पर सदस्यता अभियान चला रहे हैं, जो जनता के खिलाफ जा रहे हैं। उन मुद्दों पर लड़ाई लड़ने के लिए कम से कम दो कार्यक्रम हम महीने में करेंगे और एक कार्यक्रम हम सेवा का, मसलन नदियों की सफाई का हो या कहीं पार्कों की सफाई का हो, ये एक कार्यक्रम हम महीने में आयोजित करेंगे। ये ऐसा तय किया गया पूरे प्रदेश में। मेंबरशिप के लिए आपकी ये बैठक हुई है, लक्ष्य बनाया हुआ कि कितने मेंबर आपके पूर्वांचल क्षेत्र में आज जिले में? देखिए, ये मेंबर साझी हम जो कर रहे हैं तो हमारा एक लक्ष्य ये है कि हमारा गांव-गांव में संगठन तैयार हो जाए। और जो बहुत सारे लोग इस तरह के हैं जो मेंबर बनना चाहते हैं लेकिन अवसर नहीं मिल पाता, तो हम उनके यहाँ जा कर के गाँव में, इसीलिए 10 आदमी की कमेटी बनाई गई है, ये सारे हमारे जिला अध्यक्ष जी और 200 साथी यहाँ पर खड़े हैं, तो इन 200 लोगों को ये जिम्मेदारी दी गई है कि आप अपने अपने गांव में रोज का रोज वहाँ पर आप ये मेंबर्स बनाने का काम करेंगे। आप देख रहे हैं कि इस सरकार में किस तरह से पिछड़ों के साथ, दलितों के साथ, महिलाओं के साथ, नौजवानों के साथ, नौकरी पेशा लोगों के साथ जो अत्याचार बढ़ा है, उसके खिलाफ लड़ाई लड़ने के लिए आम आदमी पार्टी अपने संगठन को और कायदे से सुदृढ़ करना चाहती है, मजबूत करना चाहती है। और इसी क्रम में ये कार्यक्रम हमारे आदरणीय प्रभारी प्रदेश के श्री संजय सिंह जी द्वारा पिछले दिनों निर्धारित किया गया है, जिसका आज श्री गणेश हर जगह हो रहा है। अब तक कितने सदस्य बना दिए गए? देखिए, अभी तो 1 घंटे में हमारे 12-13 सदस्य बने हैं जिनकी रसीदें कटी हैं। 1 घंटा हुआ है हम लोगों को और ये कार्यक्रम हमारा दिन भर का चलेगा और लगातार ये चलता रहेगा, चल रहा है। और जिसके तहत जनपद आजमगढ़ में हमारी पार्टी के 10 लोगों को नामित किया गया है। ये 10 लोग आगामी दिनों में गाँव में ग्राम समितियों का निर्माण करेंगे। और ये कार्यक्रम, वैसे मैं पूर्वांचल प्रांत देखता हूँ तो पूर्वांचल प्रांत के हमारे 200 जिलों में और पूरे उत्तर प्रदेश में ये कार्यक्रम हमारा आज से लगातार चलेगा कम से कम।